सब तो पहले जी मैं सीएम साहब तो सारी पार्टी के लीडर्स नूं फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सीएम साहब, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू आए पंजाब, चाहे पंजाब की किसानी का संबंध होए, पंजाब की जनता का संबंध होए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी आई थिंक बहुत वधिया गल है, क्योंकि सारिया पार्टियां अपने अपने व्यूज उत्थे दस सकदियां, तो सरकार नू मदद मिल सकती है। जिवें आप जी ने कोविड ते ऑल पार्टी मीटिंग सदी, तो सारे ने अपने अपने व्यूज दिते, सारे ने थोनू ऑथराइज किया, सारे ने थोनू सपोर्ट किया, तो सारे ने अपने अपने लैवल ते जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते सी कोविड की लड़ाई में, सारिया पार्टियां ने, मैं श्रोमणी अकाली दल तक तो कह सकता है, पर सारिया पार्टियां ने उहदे च हिस्सा दे के आ लड़ाई लड़ी, आपां कट्ठे होके लड़ी। जिहड़ा अज ऑर्डिनेंस लियांदे गए है, तो अज ऑल पार्टी मीटिंग की गई है। मैं सब तो पहले शुरू करने तो पहले मैं एक सजेशन भी देना चाहना, तो कोई इतों तो कोई जवाब भी लेना चाहना जी। परपस की है इस ऑल पार्टी मीटिंग का, की आ पोलिटिकल है या मेरिट पर डिस्कस करना है? जे पोलिटिकल आप करना है, जिवें आप असैम्बली बह के करते हैं, या आप अपनिया पोलिटिकल गेम खेडनी है, या पोलिटिकल भाषण करने हैं, फिर असी उस हिसाब न जवाब दईए। जे मेरिट ते गल करनी है, उस हिसाब न जवाब दईए, क्योंकि कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिवें कोविड की मीटिंग की थी, आप कोई रिजल्ट ते पहुंचे सी। इत्थे ही जे एजेंडा ही आप पहले ही है मन पॉलिटिक्स खेडन का, फिर ऑल पार्टी मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलना पॉजिटिव। माननीय प्रधान साहब कांग्रेस के जाखड़ साहब ने पिछले कई हफ्तों जो मैं देख रहा, उन्होंने क्लीयर एजेंडा बना के चले है, तो अज उन्होंने भाषण तो भी मैं देखिया कि सारी पॉलिटिक्स है, तो जिवें कोई इलेक्शन का अगले डेढ़ साल इलेक्शन आना है, उसकी तैयारी तो उन्होंने लगे है। सो आ एक मेरा इशू है, सजेशन एक है। मैं दूजी गल है, जे ऑल पार्टी मीटिंग आप सदनी है, काफ़ी इशूज है जिथे बहुत जरूरी सी सदनी ऑल पार्टी मीटिंग। मैं जाखड़ साहब को बेनती करना, आप तो उस आ पोलिटिकल नहीं, ये सुझाव वो मीटिंग सदे, असी भी अपने व्यूज दे सकते सी। जिवें बहुत वड्डा बीज घोटाला होया, जे सीएम साहब तुसीं आप कहा है कि 30,000 क्विंटल का नकली बीज गया 60,000 6 लाख एकड़ में जाना है। मैं उम्मीद सी कि जाखड़ साहब ये भी ऑल पार्टी मीटिंग सदे, अपने जड़े है जरा बहुत जाली जी शराब बिकन नाल जी इलिसिट लिकर, इलिसिट नहीं फैब्रिकेटेड लिकर, जिन्हों जिन्हें हज़ार लोगों की जाना जा सकती है, वोदिया डिस्टिलियां फड़िया गई, आप मीटिंग सदते कि सुझाव साढ़े तरफ ही आ सकते सी, इनू किवें टैकल करना है, जिवें रेवन्यू लॉस होया वह किवें सेविंग कर सकते हैं, जिवें आज सैंड माइनिंग का रोज़ अखबारों रोज़ टीवी डेली आ रहा, किमें कोई हूँ नदियाँ पट्टी जाते हैं, वह फाइनैशियल लॉस कि हो रहा है, वह भी आप सारे बह के यदा कोई आप डिस्कशन कर सकते सी, कि जोड़ा राशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जोड़ा आया सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी फेयर नहीं हुई, बहुत सारिया पोलीटिकल पार्टीज़ ने इशू उठाया। जे वे भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, तो मैं कहना कि बहुत ये सुझाव आने से, तो आप जॉइंटली कोई ना कोई यदा सल्यूशन आप देना से। हूँ जोड़ा दूजी गल है, पर मैं सुजैसट करता सीएम साहब न, सीएम साहब आ जी ऑल पार्टी मीटिंग बैटर होंगी कि आप फिजिकली कर सकते, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस नाल वो गल नहीं बनती, व्यूज एक्सप्रैस नहीं होंगे, या कोई इंट्रैक्शन इन्नी वधिया होंगी नहीं, पर क्योंकि कोविड है, असी जे चाहते तो असं थोड़े फार्म हाउस से भी आ सकते सी, या तुसी किते होर भी आ सकते, आप रेडी सी किते मर्जी करने वास्ते। पर मैनू एक पूछना चाहना सीएम साहब कि ऑल पार्टी मीटिंग का क्राइटीरिया की है, किनू बुलाना, इज इट सिलेक्टिव, इज इट पोलिटिकल बैशिंग, इज इट कि आप मेरिट से फैसला करते हैं कि आ जेन्यून है। कई लोग इतने बुलाया गया जिंदी पार्टी है नहीं, कई जेडे एम पी है एम एल ए जिन्होंने उन्होंने बुलाया नहीं गया, किसान इस मुद्दे पर किसान यूनियन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने भी यह डिस्कशन करनी है। सो मैं शुरू करने तो पहले मैं
आ बेनती जरूर करना चाहूंगा सीएम साहब कि क्राइटेरिया की है जो तुम दस सको तो फिर अगे आप गल कर सके। क्राइटेरिया पहली गल तो यह है कि जिते तीन लोगों को बनाया से सारे जो पार्टी ने एंड एनी वन हू कैन कॉन्ट्रीब्यूट जो सीनियर मैंबर रहे ने अपने पार्टी पॉलिटी के पंजाब जिन्होंने 40-50 साल हो गए हैं उन्होंने पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते। सो इट इज नॉट सो दिस इज so this is not an all party meeting so it is issues taken up but aaj crucial issue ye hai sade ordinances da apne punjabiyan ko vikhda ye mera kam nahi political ya thoda kam political nahi hai logan ne vikhda sawal hai punjab de kisani de vikhda sawal and that is why it was necessary ab msp chahunde ya nahi chahunde apa apmc act rakhna ya nahi rakhna these are three issues jehda government ne ordinance le aane we want to see if there is unanimity ho sakdi hai जिहड़ी गल कीती है अपनी मीटिंग होन तो पहले आप जो कंकलूजन दे दिंदे हां इट वोंट बी फेयर फॉर एवरीवन व्यू टू कम आउट आप अज कर रहे हैं पर मेरी एक व्यू है कि जे आप ऑल पार्टी मीटिंग सदीए फिर आप ऑल पार्टी मीटिंग का नाम नहीं देिए प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ इंडिया पंजाब के आप मीटिंग सदी बिकॉज अनफेयर हो जाता है कई पार्टियां लोग जोड़े अपने पोलीटल रिप्रजेंटेटिव है उन्होंने नहीं सदया जाता फैसला थोड़े तो सूँ कोई ए गल नहीं है पर मैं एक अपने तरफों पार्टी तरफों कहना चाहूँगा क्योंकि सारी इशूज एन डी ए फैसले के बारे है अजय ऑर्डिनेंस किए गए है साड़ी व्यू है पार्टी की कि सब तो सानू अखीर च बोलन का मौका दिता जाए सो दैट असी जो व्यूज़ है जो ऑब्जेक्शन है जो इशूज़ है असी सुन सकीए ते उहदे जे असी कंट्रीब्यूट कर सकते उहदे बाद इट बी बैटर रादर दैन स्टार्टिंग नाउ फर्स्ट नो नो व्हाट आई एम सेइंग जेडे मेरी बेनती नो इन इन दिस ऑन दिस ऑर्डिनेंस सो मैं वही बेनती करता जी कि जे सारिया सानू जस्ट बिफोर यू स्पीक लेट अस एट द एंड सो दैट जिहड़िया अलग अलग पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी है दादी उन्होंने की व्यूज है सो दैट वी कैन एट द एंड गिव अ रिप्लाई आई लाइक टू स्पीक एट द लास्ट बिफोर यू सो दैट वी कैन क्योंकि गेट टू नो वट आर द मेन ऑब्जेक्शन ऑफ अदर पीपल ऑल्सो नो वी आर नॉट आंसरिंग और जस्टिफाइंग और एनीथिंग I like to give our views once we hear everyone's views then I will like to give the views if you don't mind so Benji, I just want to say one thing you know you are the initiator of this you are a coalition partner I think it will be better if you give your views other parties can give their नहीं मैं सी जाखड़ साहब मैनू ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਯੂ ਆਈ ਲੀਵ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਵਟ ਐਵਰ ਡਿਸੀਜਨ ਟੇਕ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਨਾਓ ਇਫ ਆਈ ਓਨਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦੈਟ ਆਈ ਕੁਡ ਸਪੀਕ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਨ ਹੀ ਮੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਯਾ ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਇਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਪੀਕ ਓਕੇ so you want me to speak now or Mansa will speak now and let the others carry on and then before I speak can any other points raised okay fine thank you CM sahab badi khushi hai ki aap ji ne huni federal structure di gal kiti kyunki aa shuruaat shromani akali dal ne shuru federal tranche more powers to the state aa shromani akali dal da basic agenda reha hai एंड कांग्रेस पार्टी है जिन्हें उस एजेंडे के खिलाफ सानू एज अ टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन एंटी नैशनल तो मैनू बड़ी खुशी है कि कांग्रेस हुण
आफ्टर सो मेनी ईयर्स हुन कांग्रेस फेडरल ढांचे की गल कर लगी है। आ मैनू आ ही नहीं पता कि ढांचे की गल कांग्रेस पंजाब कांग्रेस ही कर रही है कि दिल्ली नैशनल कांग्रेस भी बिलीव्स इन एग्जैक्टली व्हाट द प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट फील्स। सीएम साहब श्रोमणी अकाली दल कोई मामूली पार्टी नहीं, 100 साल इस साल श्रोमणी अकाली दल दे होंगे। श्रोमणी अकाली दल की हिस्टरी है एंड एक कोई पार्टी है जिन्हों शहीदों की जथेबंदी कहा जाता है, मतलब कि श्रोमणी अकाली दल के लीडरशिप ने ते वर्कर्स ने पार्टी अपने पंजाब वास्ते, गरीब वास्ते, किसान वास्ते आजादी तो पहले तो आजादी तो बाद भी जिन्हें संघर्ष किए पंजाबियों वास्ते किए। मैं लगता हिंदुस्तान कोई एग्जाम्पल नहीं होना कि आजादी के बाद श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप में 15-15, 16-16 साल 10-10 साल जेलों कटने पे, कोई परचा नहीं उन्होंने केस नहीं, जस्ट बिकॉज उन्होंने कितने किसान की गल की, कितने सूबे की गल की, कितने गरीब की गल की, अपने 84 के उत्ते अटैक की गल की, कोई भी गल होए श्रोमणी अकाली दल ने की। तो मैं बड़ी खुशी है कि अज सानू बुलाया गया एंड जो एग्रीकल्चर की खेती की गल कर रहे हो, मैं कह सकता पूरे हिंदुस्तान जे कोई पार्टी नू जोड़िया जाता है किस फलोसफी नाल, वो है किसानी नाल, वो श्रोमणी अकाली दल। पूरे हिंदुस्तान 4-5 लीडर है जिन्हों किसानों का मसीहा कहा जाता है या जाता सी, है साहब प्रकाश सिंह जी बादल, चौधरी देवी लाल जी, चौधरी चरण सिंह जी। पूरे हिंदुस्तान जिन्हें भी किसान लीडर है सारे उन्होंने रिस्पैक्ट करते हैं। श्रोमणी अकाली दल की जो भी सरकार आई उदों किसानी के हक में, किसानी के किसान की जो लोड़ है, किसान की कोई मुश्किल है उदे वास्ते जो भी कुर्बानी देनी पई या फैसले करने पैने या पॉलिसी बनानी पई, श्रोमणी अकाली दल ने बुलाई। आ जिहड़ी मंडी सिस्टम दा तुसीं आप अज अज गल कर रहे हैं कि बहुत वधिया है, तुसीं रिकॉर्ड कर लो पूरे पंजाब जिन्नियां मंडियां बनियां 80% श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान बनियां। श्रोमणी अकाली दल ने शुरू, मैं याद है बादल साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने, आ ट्रैक्टर भी जो किसान है वो भी टैक्स बंद करता, यहाँ छोटिया छोटिया गलों पर भी असी गए सी। आ ट्यूबवैलों के बिल माफ करने, मैं कहना हिस्टोरिक फैसला है जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान किसी ने किसानी के वास्ते नहीं किया, जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल ने किया। बाकी जिहड़ा जिहड़ा एम एस पी है तुहानू याद होना है लागू होया उदों पंजाब विच प्रैशर, उदों सरदार गुरनाम सिंह 67 पहले श्रोमणी अकाली दल के चीफ मिनिस्टर से, उन्होंने उदों प्रैशर पा के रजिस्टर करके उन्होंने एम एस पी उदों लागू किया। तो जिहड़ा हुण भी मैं इन्ना ही कहना चाहना है कि किसानी वास्ते, गरीब वास्ते कोई कुर्बानी देनी पे, श्रोमणी अकाली दल सब तो अगे है। मैं थोनू अज ऑल पार्टी मीटिंग है, मैं थोनू क्लीयर करना चाहना एज प्रेजिडेंट ऑफ अकाली दल, ऑन बिहाफ ऑफ अकाली दल, ऑन अबाव बिहाफ ऑफ ऑल माई लीडर, श्रोमणी अकाली दल वास्ते ना कोई मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ना कोई सरकार इंपॉर्टेंट है, ना कोई अलायंस इंपॉर्टेंट है। साडे वास्ते किसानी पंजाब के लोगों वास्ते, हित वास्ते कोई भी कोई उदे ते हमला करे असी लड़ाई लड़ते हैं। एंड हिस्टर ताइयों आई कारण है जो 16 साल जे श्रोमणी अकाली दल के लीडर रखे। मैं किसी होर पार्टी के हिंदुस्तान कोई पार्टी नहीं होनी इंकलूडिंग आप जी की पार्टी जिन्हें आजादी के बाद किसी लीडर की किसी इशू पर कोई कुर्बानी दिती होए या कुछ करे। जे पॉलिटिक्स करना है तो जिमें जाखड़ साहब ने अपनी स्पीच में ज़्यादा उन्होंने भाषण पोलीटिकल सी, पोलीटिकल सी, केस मैरिट पर कुछ नहीं सी, पोलीटिकल सी। जे पोलीटिकल करना होए तो मैं कह सकदा 5 मिनट मैं भी ला सकदा कि जिमें पानिया का पंजाब का पानी खोया कांग्रेस की सरकार सी, राजस्थान में पानी गया कांग्रेस की सरकार सी, जो तो ट्यूबवैलों के बिल लगे असी तो बंद करते सीएम साहब उदो तुसी आप जी की सरकार ने बंद फिर तो लाते सी बिल, उस बाद 1.5 साल बाद असी प्रैशर पाया, इलैक्शन आ गए फिर तो लग गए।
ते उहदे बाद जिहड़ियां हुण जे किसानी दी जाखड़ साहब गल करदे आ आ जे शुगर कहिंदे ड्यूज, मेरा मतलब है मैं कुछ करदी, मेरे कोल 100 चीज़ां जिहड़ियां मैं इहदे ते गल कह सकदा, पर अज दा मकसद आ बिल है। मैं बेनती करांगा जे तां आपां मेरिट ते गल करनी है, मैं किसी ते डिफेंड नहीं करदा, श्रोमणी अकाली दल वास्ते मैं जिवें पहले कहा ना सरकार इंपोर्टेंट है ना मिनिस्ट्री इंपोर्टेंट है, असी क्लियर हैं साढ़े पंजाब के हितों की चीज़ है या नहीं। मैनू अफसोस आता है सीएम साहब कि कई बड़े सीनियर पार्टियां दे लीडर कमेंट कर रहे हैं ना एक्ट पढ़िया ना पंजाब दे एक्ट पढ़े है, पंजाब च की पहले होया है की आपां कर रहे हैं। सीएम साहब आपां पहला एक्ट जिहड़ी गल कर रहे हो तुसीं आप पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स फिलिसिटेशन एक्ट की आप जी गल कर रहे हो, तिवारी साहब ने जो पोलिटिकल भाषण दिता है क्योंकि उन्होंने बेचारी मजबूरी है भावें सैकटरी है वह तो जिमें डायरेक्शन थोड़ी है कि प्रजेंटेशन इस एंगल ना करनी उन्होंने की है तो जाखड़ साहब ने वो अगे किया। मैं एक सवाल मैं क्वेश्चन है जो बाद रिप्लाई कर सकते हो, पहली गल है MSP खत्म हो जूगी, मैनू इस एक्ट की किसी प्रोविजन च या परचेज खत्म हो जूगी किस इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन च लिखिया वो मैनू जरूर दस दो, शायद मैं ना पढ़े हुए। दूजी गल हिंदुस्तान में सीएम साहब लेट मी स्पीक देन आफ्टर दैट सर आई विल वट एवर यू से वील डिस्कस इट। मैनू हिंदुस्तान विच कोई भी एक्ट दस दियो जिथे MSP लाउन वास्ते ते MSP ते परचेज करन वास्ते कोई एक्ट बनया, कोई अज तक मैनू कोई प्रोविजन कोई एक्ट नहीं बनया। MSP एक कैबिनेट डिसीशन है, इट्स नॉट एन एक्ट, डिसीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि MSP ते असी खरीदांगे, पता कि 67 च जो डिसीजन हुई सी उदों दी है। सीएम साहब तुसीं आ एक्ट बारे गल कर रहे हैं कि जी जाखड़ साहब लगे है जी वो कंपनियां आ जाणगियां जी लुट्टे गए मारे गए प्राइवेट आजूगा, इस एक्ट विच चार चीज़ा तीन चार ही चीज़ा जिहड़ियां एक्ट जे तुसीं पढ़ोगे, एक हैगा ई ट्रेडिंग की इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तुसीं कर सकते हो, एक है डायरेक्ट मार्केटिंग जिहड़ा एक्ट तुसीं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया कि डायरेक्ट मार्केटिंग कोई मंडी यार्ड दे बाद कोई मर्जी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है, तीजा है कि प्राइवेट मार्केट खोल सकता है। सीएम साहब मैं लगता है शायद थोड़े अफसर ने तिवारी साहब बैठे उन्होंने बेनती करांगे ये बाद को कढ़ देन अपनी फाइलां, आ तिने चीज़ा आप जी की सरकार ने 14 अगस्त 2017 आ थोड़े एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक्ट तुसी पास किया जी, मैं नहीं पीता जो तुसी मुख्यमंत्री बने मैं लगता 6 महीने बाद जो इस प्रेजेंट एक्ट है एदियां सारियां प्रोविजन पंजाब ने पास कीतियां ते तुसी लागू कीतियां तीन सारियां आ थोड़े पास किया हुआ जिहड़ा हैगा। दूजी गल जी गल चल पैंदी है जी मल्टीनेशनल आ जाएंगे, मैनू दसो जी कि मल्टीनेशनल अज नहीं आ सकते कि किसी मल्टीनेशनल खरीदन ते कोई रोक है, कोई मल्टीनेशनल मैं जाखड़ साहब ते बड़ा हैरान हो रहा सी बोल रहे सी कि जी ITC फैक्ट्री लाती इत्थे पंजाब च इत्थे कारगिल लाती, जाखड़ साहब जां तां मैनू कांग्रेस पार्टी या थोड़ी सरकार रेजोल्यूशन पास कर दे कि असी कोई भी फूड प्रोसैसिंग कंपनी पंजाब च नहीं लैके आनी, असी जिहड़ी ITC जिहड़ी अपना ITC जिहड़ी कंपनी है वी डू नॉट वेलकम हिम। मैनू याद है कैप्टन CM साहब ने इश्तिहार दिता सी जो सरकार बनी जो लाई तो असी सी साडे टाइम तो असी सैंक्शन किया सारा कुछ जो बन गई सी उद्घाटन करने वास्ते CM साहब आप गए तो बड़ा इश्तिहार दिता सी बहुत रेवोल्यूशनल चीज़ ITC दी हो जूगी, तो मल्टीनेशनल ITC कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं। CM साहब थोनू याद होना है पैपसी सब तो पहले पंजाब च लियांदा आप जी ने लियांदा सी थोड़े राज विच, तुहानू याद भी होना है कि उदों जिहड़ा एक पैपसी लियांदा सी तुसी लियांदा सी जी, उहदे बाद तुहानू याद होना है CM साहब
ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕੀ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ITC ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ MSP, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਊਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 90% ਭਾਸ਼ਣ ਟੂ ਦਾ ਗੈਲਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ MSP 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ITC ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ITC 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਜਾਂ RDF ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਫੀਡ ਉੱਡ ਜੂਗੀ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਐਕਟ ਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਓ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀ ਮੇਰਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਪਰਚੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 1% ਵੀ ਨਹੀਂ, 99% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਲਾਏ ਨਾ ਲਾਏ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਐਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ,
आ पिछले हुनी जिहड़ी कणक की परचेज हुई है प्राइवेट परचेज 58,000 मैट्रिक टन है कली 58,000 मैट्रिक टन थोड़ी प्राइवेट डाटा थोड़ी पंजाब सरकार का 58 वो सारी खरीदी है आटा चिक्की वाले ने जो प्रोसैसिंग वाले ने कोई टैक्स नहीं जीरो टैक्स उन्होंने भरया फिर आप की गल करते मंडिया की जिहड़ा तुसी नॉन बासमती दे टोटल जे अपना 1890 आउंदा है जे सब्जियां तो सारी जगह तो वह कला 140 करोड़ की गल है जिहड़ी आपां मंडिया की बाहर करते हैं कली 1800 3000 अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ अपन आर डी एफ से मार्केट फी आती है 4000 चों कला 150 करोड़ की गल है जी 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 तुम सोचते हैं कि प्राइवेट आके लै जाएंगे 150 करोड़ जे 150 करोड़ आप बाहर मंडिया खोल के कॉम्पटिशन करा के एक असूल है जी मार्केट का मार्केटिंग का असूल है जिनी कॉम्पटिशन होगी उन्नी फायदा है सैलर नू जे बायर एक है नुकसान है आ जे तुसी गलत सोचते हो तुसी सारे इकोनमिस्ट हो सदारा सिंह जोल जेडे इकोनमिस्ट हैं उन्हें बड़ी वधिया तरीके नाल ते मैं एक और भी बेनती करदा जी सदारा सिंह जोल कोई अकाली दल के मैंबर नहीं है और तुसी याद करो आज पिछले सरकार के दौरान तुसी आप जी ने अपने अपना एडवाइजर बनाया सी प्लैनिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन 5 साल रखा सी ते जिहड़ा अपने खजाना मंत्री है सर मनप्रीत सिंह बादल उन्होंने पी 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 के ड्राइवर अपने मानसा बैठे थोड़े एडवाइजर से सदारा सिंह जोल जे अपने आम आदमी पार्टी मानसा बैठे इन्हों के एडवाइजर से जिन्होंने बड़े क्लीयर तिने इशूज से बड़े क्लीयर लफ्जा नाल दसिया कि आप प्रो फार्मर है या ये नुक्स की है सारा थोनू डिटेल है सारा थोनू पता है सो उन्होंने गल क्लीयर की है जिनी मार्केट जिनी कॉम्पीटिशन होगी उन्ना फायदा है हुण जिहड़े जे तुसीं एक्ट बनाया गया जे मार्केट प्राइवेट कोई बंदा खोल लैंदा है तुसीं दसो सीएम साहब 3 साल हो गए तुसीं एक्ट बनाए नूं पंजाब जिथे प्राइवेट मंडियां अलाउ है डायरैक्ट मार्केटिंग अलाउ है ई ट्रेडिंग है 3 सालों च मैनूं दसो किन्नी मंडी खुली है तुसीं प्राइवेट प्राइवेट यार्ड भी अलाउ करते कि प्राइवेट बंदा यार्ड बना के अपने आप कर दो मैनूं एग्जाम्पल दे दो जी कि किन्नियां बन गईआं जे 3 साल च कोई आया नहीं तो आप कहने कि अगे फ्यूचर पता नहीं की हो जूगा ये हो जूगा वो हो जूगा आप सीएम साहब मैं किसी क्रिटिसाइज करने वास्ते नहीं आया आप सारे रिस्पोंसिबल बंदे हैं अपना रिस्पोंस है पंजाब की जनता पंजाब की किसानी जे सरकार 100-150 करोड़ का घाटा भी होंगे पर किसान 100-150 करोड़ का फायदा होंगे आपू फायदा फैसला किसान के हक से देना चाहिए जे आप 6000 करोड़ 6500 करोड़ किसानों के बिजली बिल माफ़ करते हैं आप भी कह सकते सी कि बिल ला दो जी 6000 करोड़ कि आप सड़क बना देंगे आप सरकार चला लेंगे वो बारे आप कह सकते सीएम साहब मैं हैरान है जदों एक्ट बारे मैं जाखड़ साहब तो जे थोड़े तिवारी साहब ने गल की आ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गल जी दूजा एक्ट आया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सीएम साहब जदों आप जी पैप्सी लेके आए थे उदों उन्होंने टमाटर उगाए थे रामपुरे फूल हल्के जदों टमाटर की प्राइस क्रैश कर गई तो पैप्सी मालक मुकर गए सी ते किसान नू टमाटर सिटने पे आ परपस की इस इस कॉन्ट्रैक्ट का कि जे कोई कंपनी या इंडिविजुअल कोई थोड़े तो चीज़ लै तो और जे लै तो उन्होंने कमिट उन्होंने लीगली उन्होंने लेना पैना तो मैं एक होर भी बेनती करा मैं शायद जाखड़ साहब ने उस कारण आप जी की सरकार ने तिवारी साहब ने पढ़िया नहीं आ जिहड़ा एक्ट है पंजाब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2013 चा पंजाब सरकार ने पंजाब दी लेजिस्लेटिव असैम्बली ने पास करता है 2013 च ही पास हो गया अपने तो हूँ कि आप अज इन्हां दी गल कर रहे हैं 2013 च पास हो गया तो फिर आप गल की कर रहे हैं कि आप दे किसान की प्रोटैक्शन नहीं चाहते कि पंजाब के किसान नूं कोई कंपनी लुट के लै जाए आप उन्होंने हुण आप कहने कि देश का कानून लागू हुंदा ते पंजाब का कानून लागू हुंदा पंजाब दे एसडीएम ने पंजाब सरकार ते एसडीएम ने फैसला करना है तो अपील कली उहदी हैगी अपनी डीसी कोले फाइनल अथॉरिटी डीसी है पंजाब सरकार दे इंप्लॉई अपने थले है ना एसडीएम ते डीसी होर किते उन्होंने जाण दी लोड़ नहीं तो फिर आप किस गल की गल करदे आ हिंदुस्तान दा एक्ट जो जो प्रोविजन 420 या जो प्रोविजनस हैगियां वो प्रोविजन देश दी है प्रोविजन जे कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ा हैगा वो नहीं मानता तो उन्होंने वो उहदे चों पुकतना पैना क्लीयर कट लिखिया
कि जो पंजाब सरकार जे कोई बंदा ठगी मारूगा ओनू 150% जुर्माना लग सकता है, 150% तक जुर्माना लग सकता है। की आ प्रोविजन पंजाब के किसान के हक च नहीं है? जे तुसी सोचते हो कि पंजाब के किसान ने कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए फिर मैं ये बारे कुछ कह नहीं सकता। हुण तीजी गल जिहड़ी आउंदी है असेंशियल कमोडिटी एक्ट, सी एम साहब बनया कदों सी एक्ट? उदों बनया सी जदों फूड सिक्योरिटी बड़ी घाटा सी फूड का, तो सरकार चाहती सी कि लोग सारा फूड या कणक या जो भी सरकार को आए। वो एक्ट का नुकसान की होया? जिमें गंढे है ओवर प्रोडक्शन होगी पर व्यापारी खरीद नहीं सकता, उन लिमिट है कि एक क्विंटल दो क्विंटल चार क्विंटल जिन्ना भी लिमिट है वो तो वध खरीद नहीं सकता, तो हुंदा की है किसान वेच नहीं सकता, वो रख नहीं सकता, स्टोर नहीं कर सकता। हुण जे किसान दी एक व्यापारी सारी किसान दी फसल खरीद नू लाओ हो गया कि मैं 10 टन भी खरीद सकदा 20 टन भी खरीद सकदा, कि किसान दा नुकसान है कि फायदा है? पहली दूजी गल कि किसान मजबूरी उसी उसनू पटवा उसी सैलर नू वेचूगा, किसान दी मर्जी है, जे वो नहीं पा दिंदा ना दे ना वेचे वो, पर घट तो घट एक प्रोविजन देती कि मार्केट फोर्सेस नू जे नुकसान किसानों का होंदा, टमाटर ले लो सब्जियां ले लो बेसिकली एक्ट उस उहदे वास्ते मैं जिहड़ा मैं जिन्ना मैं स्टडी कीता कि उन्हां वास्ते है जिहड़े पहले की हुंदा सी कोई खरीद नहीं सकदा सी मार्केट डिग पैंदी सी, हुण इहदे नाल स्टोर करन नाल जे कोई कंपनी या इंडिविजुअल या कोई फार्मर्स कोऑपरेटिव इकट्ठे स्टॉक कर सके वो लीगली वो अलाउड है। सो इहदा नुकसान तो मैं है नहीं। सो मैं जिहड़ी अज बेनती करना है जिहड़ा हैगा कि परपस की है, नहीं परपस की आप मीटिंग का परपस अपना मीटिंग का होना चाहिए कि आ बेस्ट इंटरेस्ट फार्मर्स का है, अपना परपस पोलिटिकल नहीं होना चाहिए कि 1.5 साल इलैक्शन है साढ़े को हूँ इशू है नहीं आप हूँ इनू इशू बना के चलीए। मैं तो जी गल है मैं थोड़ा कहना चाहना फिर तो रिपीट करना चाहना शुरू जो तुम मैनू एक लफ्ज़ एक लाइन कोई दिखा दौ तो मैं असी थोड़े सब तो पहले जावे नाले तुसी जे जाखड़ साहब कहिंदे जी अगे अगे हो सकदा है अगे तो अगे किन्ने सालां तो हो सकदा है। सी एम साहब पंजाब दे किसानां नूं शंका है कि आप जी ट्यूबवैलां दे बिल लाओगे कि इहदे ते ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए है, जे तुसी इंश्योरेंस जिवें तुसी कैबिनेट च भी पास करदा पहला तुसी कहा कि वड्डे किसानां नूं लावांगे, अज तुहाडे जिहड़ा जाखड़ साहब दे ब्रदर है किसान एग्रीकल्चर उन्होंने भी कहा वड्डे किसानां ते लाओ, इहदा मतलब पंजाब के किसानों ट्यूबवैलों के बिल लाओगे? फ्यूचर की जे प्रेजेंट की है प्रेजेंट तुसी क्या नहीं लाओगे? अच्छा ठीक है तुसी क्या हुण फ्यूचर इहदे मतलब असी कहांगे फ्यूचर थोड़ा मंशा है जी कि 20 साल बाद आ होजूगा 30 साल बाद होगा। मैं थोड़ा एक गल दसना चाहना श्रोमणी अकाली दल अज ऐलान करता है MSP रहूगी फैडरल सिस्टम के हक च असी लड़ाई लड़ते रहेंगे MSP वास्ते साढ़े वास्ते अशोर करते हैं कोई जिन्ना तक साड़ी सरकार है भावें 10 साल रहे 15 साल रहे जितों तक हिस्सा है MSP नहीं खत्म होन देवांगे तो शोर्ड परचेज खत्म नहीं होन देवांगे। मैं थोनू गरंटी दिना साढ़े वास्ते जे थोनू मैं थोनू होर भी बेनती करदा जी अज ऑल पार्टी मीटिंग की गल फ्लोर ऑफ द हाउस हैड हो आप मैं थोनू आ करदा मैं बेनती करदा ऑल आप कोई डायरेक्ट एक्विजिशन करने तो पहले जे सारी पार्टी एक चिट्ठी लिख दे ऑल पार्टी मीटिंग का वेरवा दे के जे ऑल पार्टी मीटिंग दे वेरवा दे के तुसी आप जी चिट्ठी लिख दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं कि साड़ी पंजाब दे विच मीडिया राहीं इक प्रोपेगेंडा है कि MSP खत्म हो रही है ते परचेज खत्म हो रही है व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इट। जे थोनूं ऑफिशियली लिख के दे दिंदे आ क्योंकि मिनिस्टर ने जे यूनियन मिनिस्टर ने क्लीयरली कीता सी ना साड़ी सोच है असी तां 2 दिन पहले ही MSP जारी की है तो ना असी कितने सोच सकते हैं MSP क्लीयर किया मिनिस्टर ने। जे हाले भी तुम रिटर्न चाहते हैं असी भी थोड़े नाल साइन करते हैं आप रिटर्न भी लेने तो मैं लैटर लिख दें आप नाले मैं तुम्हें होर दसदा हूँ आ एक्ट बनना है असैम्ब पार्लीमेंट जाना है असी उत्थे मंग करांगे कि हाउस में इंश्योरेंस मिले कि MSP लागू रहूगी तो परचेज लागू रहूगी। जे सेंटर सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस इंश्योरेंस दे दिंदी है तो फिर हले भी आप पॉलिटिक्स करांगे कि नहीं करांगे। मैं जिहड़ा क्रक्स देखिया सीएम साहब क्रक्स इस मीटिंग का एक ही है कि शंका है कि MSP दे
एमएसपी खत्म हो जाएगी तो टैक्स खत्म हो जाएगा। आ दो इशू है, होर कोई इशू ही है नहीं। आप जो मर्जी कहीए, पॉलिटिक कहीए, मैं आप जी ब्लेम कर सदा, तुम मेरी मैनू ब्लेम सकते हैं, आम आदमी पार्टी मैनू कर सकती है, मैं उन्होंने कर सदा, ब्लेम गेम च कुछ नहीं है। दो इशू फंडामेंटल इशू दो है एमएसपी से, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लीयर करता है, तो दूजी गल है टैक्स से जो घटूगा वह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लीयर करता है कि पंजाब सरकार की जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परचेज है पंजाब के मंडियों रहूगी, पंजाब के पीएमसी एक्ट लागू रहूगा, जो फैसला पंजाब सरकार का वो लागू रहूगा, प्राइवेट मंडियां एक पैरल बनदियां प्राइवेट वास्ते, वो भी पंजाब सरकार अपन ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जी की सरकार ने वो पहले ही पास किया है, कॉन्ट्रैक्ट भी पहले पास हो गया, तो ये कोई प्रोविजन नहीं मैनू लगता एक्सैप्ट एसेंशियल कमोडिटीज के बगैर, सारिया प्रोविजन जिहड़ियां दो एक्ट दियां तो आप जी की सरकार ने पहले सारा कुछ पाप किया पास ऑलरेडी किया पे। टैक्स अज भी मल्टीनैशनल नहीं दे रही, प्राइवेट ट्रेडर जो प्रोसैसिंग वास्ते अपनी चक्की मिल्स या कोई नूडल्स बनाउंदा है या कोई पैकेजिंग करता है नहीं दे रही अज पंजाब क्योंकि आप एग्जैम्प्ट किए हैं, फिर क्वेश्चन किस वास्ते रेज कर रहे हैं। सो मैं बेनती करांगा कि जे इस इशू से जे थोड़े हिसाब न जो मैं क्या कोई इशू मैं गलत कह वो मैं क्लैरिफिकेशन या कोई जो दूजा जो कोई ये कोई लीगली मैं जो कोई गलत क्या मैं हूँ दस भी सकते हो क्योंकि ऑफिसर थोड़े सारे है, पर मैं एक गल मैं अखीर कहन तो पहले जाखड़ साहब ने बड़ी वधिया गल की डीजल की। जाखड़ साहब तुम क्या डीजल घटा चाहिए, मैं आप हक्स है कि किसान कले सारे ट्रेडर भी ट्रक्का बिजनेस सारे कोविड की समस्या है, डीजल की समस्या बहुत पिंच करी है डीजल दे पेट्रोल। मैं कहना कैप्टन साहब अज ऑल पार्टी मीटिंग फैसला कर ले कि पंजाब सरकार अज 10 रुपये घटा दूगी डीजल तो आप चल के उत्थे धरना देिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो घटाइए। मैं आप बेनती करता अखीर मैं फिर तो कहना चाहना सारी ऑल पार्टी मीटिंग स्पष्ट श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड साढ़े वास्ते ना सरकार इंपोर्टेंट है ना मिनिस्ट्री इंपोर्टेंट है ना कुछ होर चीज़ इंपोर्टेंट है, साढ़े वास्ते पंजाब के किसान पंजाब के लोग इंपोर्टेंट है, साड़ी हिस्टरी शो करती है अकाली दल की, असी हर कुर्बानी दी है तो साड़िया देंदे रहेंगे। पार दे है कि थोड़े जिहड़ा जाखड़ साहब के ब्रदर है उन्होंने मीट जाखड़ साहब के ब्रदर ने मीटिंग रखी है तो मंत्री जी थोड़े फाइनेंस मिनिस्टर भी वे है। हाँ जी नहीं मैं तो नहीं आई बिलीव यू मैं जाखड़ साहब की गल कर रहा सीएम साहब थोड़ा धन्यवाद है जे नहीं करोगे वेरी गुड है थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन ऑफ योर्स, पर जाखड़ साहब नूं बेनती करांगा कि अपने ब्रदर नूं कहो मीटिंग ना करे क्योंकि अखबार फिर तो आ जाती है।